हाई ह्यूमन्स एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज दिस इज योर जोग्राफी एजुकेटर अर्चता मिश्रा बैक विद द चैप्टर सिक्स ऑफ योर बुक टू दैट इज प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट तो इस चैप्टर में हम प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में किस तरह से प्लानिंग को कैरी आउट किया जा रहा है कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग अचीव कर रहे हैं ऑल ऑफ दिस वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर सो बिफोर डाइविंग इन टू द एक्सप्लेनेशन फर्स्टली लेट सी द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग तो सबसे पहले हम प्लानिंग को समझेंगे प्लानिंग की डेफिनेशन को देखेंगे देन टू अप्रोचेज टू प्लानिंग प्लानिंग की जो दो अप्रोचेज हैं दैट इज सेक्टोरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग वो समझेंगे ओवरव्यू ऑफ़ प्लानिंग परस्पेक्टिव इन इंडिया इंडिया में अभी तक जो भी फाइव ईयर प्लान्स चलते आ रहे हैं उसका एक ओवरव्यू लेंगे टारगेट एरिया प्लानिंग पढ़ेंगे हिल एरिया डेवलपमेंट प्लानिंग ड्रॉड प्रोन एरिया का प्रोग्राम पढ़ेंगे फिर हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे प्लानिंग पे बेस्ड विच इज़ ऑफ भरमोर रीजन देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज़ अ वेरी क्रूशियल कंसेप्ट उसको समझेंगे फिर उस पर बेस्ड भी एक केस uh, स्टडी पढ़ेंगे इंदिरा गांधी कैनाल नाहर कमांड एरिया एंड देन मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दिस कमांड एरिया ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे सो दीज ऑल द टॉपिक्स वी विल भी कवरिंग इन द चैप्टर सो लेट स्टार्ट विद द चैप्टर तो सबसे पहले हमारा टर्म जो है प्लानिंग उसको हम समझेंगे तो प्लानिंग इज नॉट समथिंग न्यू टू अस वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस टर्म प्लानिंग वी कैरी आउट प्लानिंग इन आर डे टू डे लाइफ हम uh, अपना डेली शेड्यूल को प्लान करते हैं वी प्लान बिफोर द एग्जाम कम्स हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए सो ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लानिंग नाउ वट इज़ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन गिवन इन योर बुक तो प्लानिंग इन्वॉल्वस द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम और प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव सम गोल्स तो प्लानिंग में क्या होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे एग्ज़ाम वन मंथ बाद है सबसे पहले हम थिंकिंग करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम कब है कितना टाइम भी है फिर हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम या प्रोग्राम फिर हम लोग डिवाइड करेंगे इफ़ यू है फाइव चैप्टर्स और वन मंथ बचा हुआ है तो एकडिंगली हम ऐसे आ, उन फाइव चैप्टर्स को फाइव फाइव डेज देंगे फिर फाइव डेज देंगे रिविजन के लिए पाँचों चैप्टर के सो दिस इज हाउ वी विल प्लान तो ये क्या हो गया फार्मूलेशन ऑफ स्कीम वाला पार्ट हो गया फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फिर अब तो हमारे पास प्लान रेडी है प्लान का इम्प्लीमेंटेशन अब हम लोग करेंगे अगले वन मंथ में सो इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ थिंकिंग फिर फार्मूलेशन होता है और फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है कुछ गोल को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग तभी करेंगे जब हमारे पास कुछ गोल हो हम पढ़ेंगे तभी जब हमारे पास ये गोल हमारा जब एग्ज़ाम आएगा तो हम क्यों पढ़ेंगे क्योंकि मेरा एक गोल है कि हमें अच्छे मार्क्स अचीव करने हमें बेटर परफॉर्म करना है सो इफ देर इज इंट एनी गोल तो प्लानिंग विल बी वर्थलेस नाउ प्लानिंग के भी दो अप्रोच हैं देर आर टू अप्रोचेज टू प्लानिंग सबसे पहला है सेक्टोरल प्लानिंग एंड सेकेंड इज रीजनल प्लानिंग सो फर्स्ट इज सेक्टोरल प्लानिंग सेक्टोरल प्लानिंग एज द नेम सजेस्ट इसमें जो प्लानिंग करते हैं वो हम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ़ वेरियस सेक्टर्स के लिए इसमें जो फार्मूलेशन करते हैं इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वेरियस स्कीम्स या प्रोग्राम्स का उसका जो एम रहता है वो रहता है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर इरीगेशन मैन्युफैक्चरिंग पावर कंस्ट्रक्शन फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज तो इसमें जो मेन एम होता है वो रहता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स लाइक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये सब नेक्स्ट इज़ रीजनल प्लानिंग तो इसमें सब सबसे पहले समझ लेते हैं क्योंकि सारे एरियाज जो कंट्री में है वो सारे सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो नहीं अचीव किए हैं कहीं बहुत ज़्यादा है कहीं बहुत कम है डेवलपमेंट तो इसके वजह से जो रीजनल प्लानिंग है वो बन जाती है बहुत इंपॉर्टेंट सो देर इज़ नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं है कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप है तो कहीं नहीं है तो ये जो अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है ये ये क्या करता है नेसेसिटेट नेटेट करता है कि हमें एक रीजनल प्लानिंग आनी चाहिए हमें स्पेशियल पर्सपेक्टिव लेकर आना चाहिए प्लानर्स हैव अ स्पेशियल पर्सपेक्टिव एंड ड्रॉ द प्लान्स टू रिड्यूस रीजनल इम्बेलेंस इन डेवलपमेंट फिर प्लान्स ऐसे फॉर्मुलेट किए जाते हैं जिसमें हम लोग रीजनल इंबैलेंस जो है डेवलपमेंट में कहीं बहुत ज़्यादा कहीं कम ये जो है वो कम कर सकें तो इस टाइप के प्लानिंग को हम लोग रीजनल प्लानिंग कहते हैं सो देर फॉर सेक्टोरल प्लानिंग फोकसेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स रीजनल प्लानिंग फोकसेज ऑन द बैकवर्ड एरिया ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया एंड इट एम्स टू रिड्यूस द रीजनल इम्बेलेंस इन डेवलपमेंट नाउ ओवर व्यू ऑफ प्लानिंग परस्पेक्टिव इन इंडिया ये एडेड टॉपिक है इस बार के एन सी आर टी में ये पुराने एन सी आर टीज में ये टॉपिक नहीं था सो इट इज़ ओवर व्यू ऑफ प्लानिंग परसपेक्टिव इन इंडिया अब इसमें हम क्या करेंगे अभी तक जितना भी प्लानिंग हम लोग कैरी आउट किए इन इन द इन द फॉर्म ऑफ फाइव ईयर प्लान उसकी एक ऊपर से ओवरव्यू लेंगे तो सबसे पहले कि इंडिया में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता था और ये प्लानिंग की जो जिम्मेदारी थी वो प्लानिंग कमीशन की थी प्लानिंग कमीशन एक स्टैचूटरी बॉडी था दैट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएटेड हुआ था और इसके जो हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं अलॉन्ग विद इट्स हेड इसमें वेरियस मेंबर्स जैसे डेप्यूटी चेयरमैन और अदर मेंबर्स होते हैं अब जो ये प्लानिंग का प्रोसेस था ये प्लानिंग कमीशन थ्रू फाइव ईयर प्लान्स के थ्रू ये कैरी आउट करते थे तो सबसे पहले अभी तक ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान स्टिल नाउ आए हैं टू के बाद अभी भी एक भी फाइव ईयर प्लान नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है सो टू थाउजेंड का जो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान था दिस इज़ द लास्ट फाइव ईयर प्लान इंट्रोड्यूस्ड इन आर कंट्री सबसे पहले फर्स्ट फाइव ईयर प्लान लॉन्च किया गया था 1951 में सो so, 1951 फिफ्टी टू 52 टू 1955 टू 56 सिक्स तो फाइव ईयर का प्लान होता है तो 1951 से लेकर के 1956 तक फर्स्ट ईयर फाइव ईयर प्लान आया था सेकेंड 1956 से लेकर के 1961 तक सेकेंड फाइव ईयर प्लान लास्टेड, नाउ थर्ड तो थर्ड 1961 62 से 1965 66 तक थर्ड फाइव ईयर प्लान आया था जिसमें मेनली सेल्फ सफिशियंट बनने के लिए द एम वर्ज कि हम लोग फूड ग्रीन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशियंट बन जाएं नाउ इसके बाद क्या हुआ था 66 के बाद 1967 66, 67 एंड 68 69 में क्या हुआ था प्लान हॉलीडे आया था इसमें कोई भी फाइव ईयर प्लान नहीं आया था इंस्टेड फाइव ईयर के प्लान के जगह पे एनुअल प्लान आया था जिसको हम लोग रोलिंग प्लान भी कहते हैं ये क्यों ऐसा हुआ था तो ऐसा इसलिए हुआ तो क्योंकि सक्सेसिव ड्रॉट्स कंट्री में आए थे जिसकी वजह से मिड सिक्सटीज़ में हम प्लानिंग फाइव ईयर प्लान्स को नहीं लेकर आ पाए थे और इसी टाइम में पाकिस्तान से हमारा वॉर भी हुआ था 1965 में सो so उसके बाद वी कुडेंट मेक द नेक्स्ट प्लान फिर फोर्थ फाइव ईयर प्लान आया 1969-70 से 1973-74 में दैन मूविंग ऑन टू फिफ्थ फाइव ईयर प्लान तो वो सेवनटी फोर सेवनटी फाइव से सेवनटी सेवन सेवनटी एट तक आया था और ये एक ईयर पहले ही टर्मिनेट हो गया था नाउ द नेक्स्ट सिक्स नाइनटीन एटी से नाइनटीन एटी फाइव तक फिर सेवन्थ में नाइनटीन एटी फाइव से नाइनटीन नाइन्टी तक एंड देन टू ईयर का फिर ब्रेक था बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इनिशियशन ऑफ लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये नाइनटीन नाइन्टीज़ में आया था जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे इसके वजह से दो ईयर लेट हुआ था दैट्स वाई एट्थ फाइव ईयर प्लान 1990 से नहीं इनिशिएट हुआ था बट इंस्टेड 1992 से 1997 तक इनिशिएट हुआ था देन नाइन्थ फाइव ईयर प्लान 1997 से 2002 तक था फिर टेंथ 2002 से 2007 तक था इलेवेंथ 2007 से 2012 तक था और जो ट्वेल्थ जो लास्ट फाइव ईयर प्लान था वो 2012 में शुरू हुआ था और इसका जो फोकस था वो इंक्लूसिव ग्रोथ पर था और सस्टेनेबल ग्रोथ पर था सो दीज आर द फाइव ईयर प्लान जो हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किए गए हैं ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान्स थे और 2012 के बाद अभी तक एक भी फाइव ईयर प्लान इंट्रोड्यूस नहीं किया गया सो दिस वॉज द ओवर व्यू ऑफ प्लानिंग परस्पेक्टिव इन इंडिया सो दिस बॉक्स इज नॉट इन द न्यू एन सी आर टी ओल्ड एन सी आर टी में ये है इस बार क्या हुआ है न्यू एन में ओवरव्यू वाला जो बॉक्स है वो इंक्लूड हुआ है वेर एस ये बॉक्स रिमूव हो गया है तो इसमें नीति आयोग के बारे में है सो हम लोग एक बार ओवरव्यू इसका भी ले लेंगे सो फर्स्ट जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट हुई थी इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम में टाइम पे सेंट्रलाइज प्लानिंग अडॉप्ट की थी बट अब ग्रेजुअली uh, हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं सो so, अब डिसेंट्रलाइज मल्टी लेवल प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लान फॉर्मूलेशन प्लानिंग की पूरी दी गई थी प्लानिंग कमीशन को सेंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट हर लेवल की बट वन जनवरी टू में क्या हुआ नीति प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के थ्रू एंड नीति आयोग जो है उसको सेटअप uh, किया गया था इस ऑब्जेक्टिव के साथ ताकि हम लोग स्टेट्स को भी इंक्लूड कर पाएं इकोनॉमिक पॉलिसीज में और हम लोग इंडिया में इंडिया में जो स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस है वो स्टेट्स के थ्रू हम लोग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को दे पाए तो दिस वाज अबाउट नीति आयोग जो कि एक रिप्लेसमेंट है फॉर प्लानिंग कमीशन सो नाओ टारगेट एरिया प्लानिंग अब हम जो भी टाइप्स के प्लानिंग पढ़ेंगे जैसे टारगेट एरिया हिल एरिया डेवलपमेंट ड्रॉट प्रोन ये सब पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आने के लिए तो नोट्स अगर आ गए इस पर लिखने के लिए सो यू नीड टू मैंशन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो टारगेट एरिया प्लानिंग एज द नेम सजेस्ट वी मेक अ टारगेट वी मेक एन एरिया एज अ टारगेट एंड देन वी इम्प्लीमेंट स्कीम्स वी फार्मुलेट स्कीम्स टू डू द डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया तो इसमें क्या है स्पेशल केयर वी प्रोवाइड टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन किस पे डिपेंड करता है रिसोर्स बेस पे मेनली रिसोर्स कितना है किसी रीजन में उस पर डिपेंड करता है बट होता क्या है कभी कभी जो रिसोर्स रिच रीजन है ऐसा रीजन जिसमें रिसोर्स बहुत जाता है वो भी क्या होते हैं बैकवर्ड रह जाते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए वी ब्रिंग टारगेट एरिया प्लानिंग सो देयरफॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स बेस पे नहीं डिपेंडेंट uh, होता है बट एट द सेम टाइम अलोंग विथ रिसोर्स बेस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस रिसोर्स अब रीजनल बैलेंसेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है कहीं कुछ प्लेसेस uh, बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड हैं और कुछ बहुत ही कम सो रीजनल इम्बेलेंस है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो रीजनल uh, इम्बैलेंस है ये एक्सेंचुएट हो रहा था तो इसके वजह से हम लोग हमारे जो प्लानिंग कमीशन है उसने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस की सबसे पहला टारगेट एरिया दूसरा टारगेट ग्रुप अप्रोच ये दोनों अप्रोच प्लानिंग के लिए दे इंट्रोड्यूस्ड इसमें क्या है दो चीज़ें हैं सबसे पहले टारगेट एरिया तो टारगेट एरिया के कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ड्रॉड प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम फिर नेक्स्ट है टारगेट ग्रुप जो सेकंड है उसमें भी दो एग्जांपल्स हैं द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी एस एफ डी एंड देन मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी दैट इज एम एफ डी ए तो ये जो दोनों हैं ये अप्रोचेस दे इंट्रोड्यूस टू प्लानिंग इन दीज रीजन् जो एट फाइव ईयर प्लान है उसमें क्या स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर टू हील्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज सबसे ज़्यादा प्रोन टू रीजनल इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा हिल एरियाज ही रहते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वहाँ पे भी बहुत कम डेवलपमेंट हुआ रहता है ट्राइबल एरियाज़ में बैकवर्ड एरियाज़ में यहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो एट्थ फाइव ईयर प्लान में स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स इन सब जगहों को डेवलप करने के लिए बनाया गया था सो एथ फाइव ईयर प्लान दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो द नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के टाइम में इनिशिएट हुआ था टाइम पे इनिशिएट हुआ था इसमें फ़िफ्टीन डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिसमें सबसे पहले हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ उत्तर प्रदेश जो प्रेजेंट डे उत्तराखंड में है मिकीर हिल नॉर्थ कचर हील्स ऑफ असम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ तमिलनाडु तो ये रफली यूपी असम वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को कवर करता है इसमें क्या है जो नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ़ बैकवर्ड एरिया दिस इज़ अ कमिटी इट इज़ द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ़ बैकवर्ड एरिया 1981 में ये रेकमेंड किया था इसमें एक तरह से ये डेफ़िनेशन दिया था कि कौन से एरिया को हम लोग बैकवर्ड हिल एरिया कह सकते हैं सो so इसमें क्राइटेरिया था कि ऑल द हिल एरियाज इन द कंट्री हैविंग हाइट एब सिक्स हंड्रेड मीटर एंड नॉट कवर्ड अंडर एनी ट्राइबल सब प्लान शुड बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिल एरियाज देर फॉर दोज हिल एरियाज विच आर हैविंग द हाइट सिक्स हंड्रेड मीटर से ज़्यादा और वो किसी भी ट्राइबल सब प्लान में नहीं अगर इंक्लूडेड है तो उन्हें हम लोग बैकवर्ड हिल एरियाज कहेंगे सो so, दो क्राइटेरिया हैं सिक्स हंड्रेड मीटर से ज़्यादा हाइट और ट्राइबल सब प्लान में नहीं कवर होना किसी भी दिस वॉज रिकमेंडेड बाई द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन नाइनटीन एटी वन तो एम सी क्यू में भी पूछा जा सकता है कि कौन रिकमेंड uh, किया था सो यू नो द आंसर और कब नाइनटीन एटी वन में सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज हिली एरिया डिटेल प्लानिंग शुरू हो गई इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था उनके टोपोग्राफी का इकोलॉजी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस का ये सारे जो हिल एरियाज हैं इनके ये सारे कंडीशंस का ध्यान में रख कर के प्रोग्राम्स बनाए जाते थे जिनका एम रहता था उनके जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं जो वहाँ के रिसोर्स हैं उनका यूज़ कर कर हिल एरियाज़ में कैसे यूज़ करना डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टीकल्चर से प्लान्टशन एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री पोल्ट्री फॉरेस्ट्री स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री ये सब के थ्रू उनका रिसोर्स यूज करके आई मीन डेवलपमेंट इस इन सब रीजन का वॉज द एम ऑफ प्रोग्राम्स. सो दिस अबाउट हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें द एम वॉज टू डेवलप एरियाज़. नाउ नेक्स्ट इज जॉड प्रोन एरिया प्रोग्राम तो लाइक वाइज जैसे पिछला वाला जो प्रोग्राम था हमारा हिल एरिया का वो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में आया था वैसे ज्रॉड प्रोन एरिया प्रोग्राम फोर्थ फाइव ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था इसका ऑब्जेक्टिव इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे पहला था कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन ड्रॉट प्रोन एरियाज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ड्रॉट प्रोन एरियाज में दूसरा था क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स प्रोडक्टिव एसेट्स को बनाना इन ड्रॉट प्रोन एरियाज तो इनिशियली इस प्रोग्राम के अंदर एम्फेसिस दिया गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स तो सबसे पहले फोकस था कि लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स को और बढ़ाया जाए बट लेटर ऑन एज दिस प्रोग्राम कंटिन्यूड जो इम्फेसिस हैं वो थोड़ा चेंज होकर के इरीगेशन प्रोजेक्ट्स पे चला गया लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ग्रास लैंड प्रोग्राम ग्रास लैंड डेवलपमेंट एफॉरस्ट्रेशन क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी रोड्स मार्केट क्रेडिट एंड सर्विसेज सो अब क्या हुआ कि ओरिएंटेशन या डेवलपमेंट थोड़ा चेंज होकर के इन सब चीज़ों में होने लगा नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया ये कमिटी रिव्यू की इस प्रोग्राम का परफॉर्मेंस और ये ऑब्जर्व की कि जो ये प्रोग्राम है वो लार्जली डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स पे फोकस कर रहा है विथ रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस सो इनका फोकस था रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस में बैलेंस करना विथ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ या अलाइड सेक्टर्स तो क्या हुआ अब क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है तो जो मार्जिनल लैंड्स हैं उनका भी यूटिलाइजेशन हो रहा है इन एग्रीकल्चर तो इससे हो क्या रहा है इससे हो रहा है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन तो ये क्या करता है ये कॉल करता है फॉर इमीजिएट नीड टू क्रिएट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन सब ड्रॉट एरिया ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में तो इसमें क्या हुआ अदर स्ट्रैटेजीज़ भी इंट्रोड्यूस किए गए इस प्रोग्राम के अंदर जैसे अडोप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट अप्रोच एट माइक्रो लेवल तो हम लोग वाटर शेड डेवलपमेंट अप्रोच पढ़े हैं पिछले आ, पिछले के पिछले चैप्टर में सो वाटर शेड डेवलपमेंट अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए अदर स्ट्रैटेजी इसमें इंक्लूड किया गया इसमें क्या था मेन जो फोकस था वो था रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर सॉइल प्लांट्स एंड ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन तो ये सब में एक बैलेंस बनाना वाज़ द फोकस और इसी को इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच भी कहते हैं सो देअर फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोर करना बिटवीन वाटर सॉइल प्लांट्स ह्यूमन एंड एनिमल वॉज द एनिमल पॉपुलेशन वो बेसिक कंसिडरेशन बन गया था ये स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट प्रोन एरियाज़ इनका मेन फोकस इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ही था नाउ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया नाइनटीन सिक्सटी में आइडेंटिफाई की सिक्सटी सेवन या तो पूरी तरीके से या तो कुछ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो कि ड्रॉट से प्रोन थे जहाँ पर ड्रॉट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे तो इसके बाद जो इरिगेशन कमीशन है वो नाइन नाइनटीन सेवेंटी टू में ये इंट्रोड्यूस की एक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस की जिसमें अगर कोई रीजन है अगर वो थर्टी परसेंट इरीगेटेड एरिया उसमें है तब तो वो सही है बट अगर उससे कम है या थर्टी परसेंट ही है तो उसको हम लोग ड्रॉट प्रोन एरियाज डलेयर कर देंगे थर्टी परसेंट से ज़्यादा है तो फिर वो ड्रॉट प्रोन एरिया नहीं कहलाया जाएगा बट इफ़ इट इज़ लेस देन 30% परसेंट और थर्टी परसेंट इरीगेटेड एरिया डिमार्केटेड एज द ड्रॉड प्रोन एरियाज तो ब्रॉडली ड्रॉट प्रोन एरिया हमारे कंट्री में स्प्रेड हैं ओवर सेमी एरिड एंड एरिड ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान में मेनली देन गुजरात वेस्टर्न एमपी मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश कर्नाटका प्लेट्यू एंड हाई एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु सो जो ये सारा एरिया है वो ड्रॉट प्रोन एरिया माना गया है और ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा और नार्दर्न राजस्थान को हम वो लार्जली प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि वहाँ पर इरीगेशन की फैसिलिटी अच्छी है सो so, वहाँ पर ड्रॉट इसी लिए नहीं आता या ड्रॉट प्रोन एरिया हम लोग उसको इसी लिए नहीं मानते क्योंकि वहाँ पर इरीगेशन अच्छे से डेवलप है इन पंजाब हरियाणा एंड नॉर्दर्न राजस्थान सो दिस वॉज़ अबाउट ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स इन दिस एरियाज सो so सुनाओ अब ये जो फर्स्ट केस स्टडी ऑफ द चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे भरमौर रीजन के बारे में है भरमौर रीजन में जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उसके बारे में है सो so, जो भरमौर ट्राइबल एरिया है इसके अंदर भरमौर रीजन आता है और होली तहसील ऑफ चाम्बा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आता है ये क्या है ये एक नोटिफाइड ट्राइबल एरिया बना था ट्वेंटी वन नवंबर नाइनटीन सेवेंटी फाइव से ये एक ट्राइबल एरिया है और इसमें गद्दी लोग रहते हैं गद्दी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिनकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है इन द हिमालयन रीजन क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं ट्रांस और वो बातचीत करते हैं कन्वर्स करते हैं थ्रू गद्याली डायलेक्ट तो इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये ट्रांस प्रैक्टिस करते हैं और गदियाली डायलेक्ट में बातचीत करते हैं सो so, ये भरमौर ट्राइबल रीजन में हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं क्लाइमेट अच्छा नहीं है लो रिसोर्स बेस है रिसोर्स बेस कम है और इन्वामेंट भी फ्रजाइल है सो देर इज़ अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस रीजन और ये सब फैक्टर्स की वजह से उनकी सोसाइटी और इकोनॉमिक पे फर्क पड़ता है इन्फ्लुएंस होता है और 2011 थाउजेंड इलेवन सेंस की को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन इस रीजन का है थर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टीन जिसके अकॉर्डिंग जो डेंसिटी ऑफ दिस एरिया है वो है ट्वेंटी वन परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर और ये वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड एरिया है ऑफ़ हिमाचल प्रदेश और हिस्टोरिकली हिस्ट मतलब बहुत पहले से ही ये चले आ जा रहा चलते आ रहा है कि गद्दीज ने जोग्राफिकल और पॉलिटिकल आइसोलेशन फेस किया है और सोशियो इकोनॉमिक डिप्रेवेशन तो ये बहुत ही ज़्यादा पुअर कम्युनिटी रही है बहुत पहले से ही इनका जो इकोनमी है वो लार्जली एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी जैसे शीप एंड गोट रियरिंग इसी सब पे बेस्ड रहा है जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इस एरिया में शुरू हुआ वो नाइनटीन से शुरू हुआ जब गद्दीस को हम लोग जब गद्दीस को गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया तो इसमें क्या हुआ जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था उसके अंदर ट्राइबल सब प्लान इंट्रोड्यूस किया गया इन 1974 तो अगर आप ओवरव्यू वाला पार्ट जो स्टार्टिंग में पढ़े हैं उसमें देखेंगे तो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान कवर हुआ आई मीन अराउंड 1974 ही शुरू हुआ था तो इसी टाइम पे ट्राइबल्स सब प्लान इंट्रोड्यूस किया गया इन 1974 जिसमें भरमौर को वन ऑफ द फाइव इंटीग्रेटेड ट्राइबल प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश डेजीनेट uh, किया गया दैट मीन्स फाइव इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैरी आउट किया गया था हिमाचल प्रदेश में उसमें से एक जो है वो भरमौर का था इसमें क्या है इसका एम था एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना सुधारना वॉज द एम ऑफ गद्दीज और ये जो गैप है बिटवीन भरमौर और जो अदर एरियाज़ हैं ऑफ़ हिमाचल प्रदेश ये गैप को कम करना सो so, ये दोनों जो है वो एम था ऑफ दिस इंटीग्रेटेड ट्राइबल प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में जो मेन एम था वो था डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ और सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज सो देअर फॉर ये जो ट्राइबल सब प्लान कैरी आउट किया गया था इन भरमौर रीजन इसका मेन जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला या मेन कंट्रीब्यूशन है वो हमें देखने को मिला है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज पोर्टेबल वाटर रोड्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी ये सब चीज़ें में डेवलपमेंट मिला है ये भी रीजनल बैलेंस रीजनली बैलेंस नहीं मिला इसमें भी इम्बैलेंस थे इसलिए जो मेन बेनिफिशियरीज थे या जो जिसमें मेन बेनिफिट हुआ वो जो रिवर रावी के आसपास है एरिया होली एंड खानी एरियाज ये इन्हीं दोनों एरियाज में मेन जो है डेवलपमेंट हुआ है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर एज जो रिमोट विलेजेस हैं इन टुंदा एंड कुगती एरिया उन्हें उनके पास अभी भी सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सो so, अभी ये टुंदा कुगती और होली खानी के बारे में भी अभी हम लोग ये स्टडी करेंगे जब हम लोग इस एरिया के बारे में पढ़ेंगे भरमौर रीजन के बारे में पढ़ेंगे अब इस जो आई टी डी पी है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके कुछ सोशल बेनिफिट्स भी मिले हैं और सोशल बेनिफिट्स ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तो होता रहता है बट मेन डेवलपमेंट है सोशल सोशल डेवलपमेंट इसमें क्या है? हुआ है ट्रमेंटस बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हुआ है लिटरेसी रेट में तो लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई है और दूसरा है कि इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो जो मेन और वुमेन में जो पहले क्या था कि वुमेन्स बहुत कम थी इन द रीजन बट अब क्या है सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिजेस चाइल्ड मैरिजेस पहले बहुत ज़्यादा होती थी बट इस प्लान के इस प्रोग्राम के आने के बाद चाइल्ड मैरेजेस कम हुई जेंडर जेंडर इनक्वालिटी कम हुई जो कि डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स होता है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट पहले फ़ीमेल की लिटरेसी रेट इन 1971 थी 1.88 परसेंट बट 2011 में वो 65 परसेंट हो गए इतना ह्यूज चेंज आया आफ्टर दिस प्लान तो ट्रेडिशनली ये जो गद्दीज थे वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पास्टोरल इकोनॉमी इनकी पहले सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ये कैरी uh, आउट करते थे और पास्टोरल इकोनॉमी थी जिसमें इम्फेसिस था फूड ग्रेन्स और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन पे बट लास्ट थ्री डेकेट्स ऑफ ट्वेंटी एथ सेंचुरी में क्या हुआ है कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स जैसे uh, जो अदर कैश क्रॉप्स होते हैं पल्सेज होते हैं इनका भी कल्टिवेशन होना शुरू हो गया है लेकिन जो भले ये सब कैश क्रॉप्स का कल्टिवेशन शुरू हो गया है बट इनका जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी स्टिल इट इज़ डन विथ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी अब जो डिक्लाइनिंग इम्पॉर्टेंस है पास्टोरिज्म पास्टोरिज्म का इनके इकोनोमी में वो हम इससे पता लगा सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में सिर्फ वन टेंथ ऑफ द टोटल हाउस होल्ड्स प्रैक्टिस करते हैं ट्रांस ह्यूम्स सो हर दस में से सिर्फ एक हाउस होल्ड है जो ट्रांस ह्यूमन्स जो इनकी बहुत एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन करने में हेल्प करती थी बिकॉज दे प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमन्स तो ये क्या है सिर्फ अब वन टेंथ ऑफ द टोटल हाउस होल्ड प्रैक्टिस करे बहुत ही माइनर लेवल पे ये प्रैक्टिस हो रहा है बट स्टिल अभी भी जो गद्दीज हैं वो बहुत मोबाइल है बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते हैं इनका जो बहुत मेजर सेक्शन है वो माइग्रेट करता है टू कांगरा एंड सराउंडिंग एरियाज विंटर के टाइम टू अर्न लिविंग फ्रॉम वेज लेबर वेज लेबर से अर्निंग करने के लिए इनका साइजीएबल सेक्शन जो है माइग्रेट करता है टू तो कांगरा एंड सराउंडिंग एरियाज ड्यूरिंग विंटर देयर फॉर दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्राइबल इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तो अब इसमें प्रोग्राम तो अब इसमें क्या है हमारा जो मेन भरमौर रीजन का है जो ये बॉक्स दिया हुआ है ये अभी तक हम लोग नहीं स्टडी किए हैं तो अब हम लोग इस बॉक्स के बारे में जो भी इस रीजन के बारे में दिया गया है वो पढ़ेंगे सो वी कैन सी इन दिस मैप और ये जो बॉक्स है इसमें मेनली जोग्राफिकल डिस्क्रप्शन दिया गया है ऑफ भरमौर ट्राइबल रीजन इसमें सबसे पहले दिया गया है कि जो इसके लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दिए गए हैं कि ये रीजन जो है थर्टी टू डिग्री एलेवन मिनट्स नॉर्थ एंड थर्टी टू डिग्री फोर्टी वन मिनट्स नॉर्थ लेटीट्यूड्स मिलाई करता है एंड सेवेंटी सिक्स डिग्री ट्वेंटी टू मिनट ईस्ट एंड सेवेंटी सिक्स डिग्री फिफ्टी थ्री मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करता है तो ये जो एरिया है वो एटीन हंड्रेड एटीन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है भरमौर रीजन और ये मोस्टली फिफ्टीन हंड्रेड टू थर्टी सेवन हंड्रेड मीटर एबोव द मेन सी लेवल है सो so इसका एल्टीट्यूड इट वेरीज़ फ्रॉम फिफ्टीन टू थर्टी मीटर और इस रीजन में पॉपुलरली इनको इस रीजन को पॉपुलरली कहा जाता है होम लैंड ऑफ गद्दीस तो ये अगर एम सी क्यू में आता है कि विच रीजन इज़ नोन एज होम लैंड ऑफ गद्दीस सो so इट इज़ भरमोर रीजन और ये रीजन में सारे साइड्स में इन ऑल साइड्स माउंटेन से ये कवर है सबसे पहले नॉर्थ में पीर पंजल है धौलाधर है इन द साउथ और ईस्ट में है ये धौलाधर एक्सटेंड होकर के कन्वर्ज होता है विद पीर पंजल नियर रोहतांग पास एंड जो रिवर है रवि और इसकी ट्रिब्यूटरी द बुधील एंड तुंदा ये पूरा इस टेरिटरी को ड्रेन करती है और डीप गॉर्जेस बनाती है पूरा इस, इस रीजन में डीप गॉर्जेस फॉर्म करती है ये जो रिवर है ये सारे रिवर्स डिवाइड करते इस रीजन को इन फोर फिजियोग्राफिक डिविजन्स होली खानी कुगती एंड तुंदा इसमें से जो हम लोग बेनिफिट्स की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने होली और खानी का कहा और कुगती और तुंदा में वो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना नहीं हो पाया सो दिस इज अबाउट दिस वी कैन सी ये कुगती रीजन है ये नॉर्थ में कुगती रीजन है ये नॉर्थ वेस्ट में तुंदा रीजन है एंड ये साउथ और साउथ वेस्ट में थोड़ा सा होली रीजन है और ये सेंट्रल में खानी रीजन है सो दिस इज़ द दिज आर द फोर रीजन्स इन भरमौर एरिया भरमौर ऑल्सो एक्सपीरियंस फ्रीजिंग वेदर कंडीशन वैदर कंडीशन बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर या कह सकते हैं टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है स्नोफॉल्स होते हैं इन विंटर और इसमें जो मंथली टेम्परेचर है वो जनवरी में फोर डिग्री रहता है सेल्सियस और जुलाई में ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस रहता है दिस शोज़ के कितना वेरिएशन इन टेम्परेचर सो बहुत ही हाईली वेरिएशन में रहता है टेम्परेचर इन दिस रीजन सो दिस वॉज अबाउट द जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन वी कैन सी भरमौर रीजन इस मैप के थ्रू कि ये फोर एरियाज़ में डिवाइडेड है और इसका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है दिस इज ऑल्सो गिवेन और ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये चांबा डिस्ट्रिक्ट जो है नियर इन हिमाचल प्रदेश नियर जम्मू एंड कश्मीर इट इज़ तयर सो दिस वॉज अबाउट द ट्राइबल डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम अबाउट भरमौर रीजन एंड uh, ये इसके केस स्टडी इज इम्पॉर्टेंट नोट्स बहुत बार लिखने को आते हैं आई गेस हमारे में भी हमारे एग्जाम में भी ये नोट्स लिखने के लिए आया था सो नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट वॉज प्लानिंग वो हम लोग कवर कर चुके हैं अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने से पहले डेवलपमेंट क्या होता है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड सो डेवलपमेंट इज हम लोग मोस्टली डेवलपमेंट को जो है प्रोग्रेस से एसोसिएट करते हैं जब प्रोग्रेस होता है तो डेवलपमेंट भी होता है सो देयर इज अगर पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं और एक सोसाइटी का जो पर्टिकुलर स्टेट है और वो जो चेंजेस फेस करते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं और सोसाइटी का स्टेट हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं थ्रू द इंटरैक्शन प्रोसेस बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड देयर बायोफिजिकल इन्वायरमेंट देयरफॉर जो ह्यूमस और नेचर का जो इंटरक्शन होता है उससे हम लोग स्टेट ऑफ सोसाइटी को पता करते हैं और ये इंटरैक्शन प्योरली बेस्ड होता है ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन नर्चर्ड अ सोसाइटी तो क्या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो डिटरमाइन करता है किस लेवल का इंटरेक्शन होगा बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर सो इसलिए जो डेवलपमेंट है वो मल्टीडाइमेंशनल कॉन्सेप्ट है और ये एक पॉजिटिव इ रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी सोसाइटी एंड एनवायरमेंट रिफ्लेक्ट करता है इ रिवर्सिबल चेंज मतलब ऐसा चेंज जो हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं वैसा चेंज ब्रिंग्स डेवलपमेंट अब जो ये कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट वो बहुत डायनेमिक है और इसका जो डेफिनेशन है या जो ये कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ है ये चेंज होते आ रहा है आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के एरा में जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग इक्वल मानते थे उसको सिनोनिमस मानते थे इकोनॉमिक ग्रोथ से तो जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है वहाँ पे डेवलपमेंट भी है और इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग मेज़र करते थे बाय द टेम्पोरल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जे एन पी एंड पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा कंजप्शन सो जे एन पी से हम मेज़र करते थे और हम इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे होता था वहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट डिक्लेयर कर देते थे बट प्रॉब्लम इस डेफिनेशन में तब आई जब हम लोग ये नोटिस किए हैं कि जो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ वाली कंट्रीज थी वहाँ पर भी पॉवर्टी था रीज़न रीज़न वाज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सो फिर क्या हुआ ये जो अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम था उसके लिए नाइनटीन में जो नए फेजेज हैं जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन विथ ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड इक्विटी ये सब भी डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट में इंक्लूड किया गया तो अब जो ये क्वेश्चन था रीडिस्ट्रीब्यूशन का और इक्विटी का इसमें ये रियलाइज़ किया गया कि डेवलपमेंट को हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर तक नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते बट उसमें हम लोग और इश्यूज भी इंक्लूड करेंगे जैसे इंप्रूविंग द वेल बींग एंड लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ पीपल अवेलिंग ऑफ द हेल्थ एजुकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योरिंग पोलिकल एंड सिविल राइट्स तो ये सारी जो चीजेंट है उसे भी हमें डेवलपमेंट में इंक्लूड करना होगा दिस वॉज रियलाइज इन नाइनटीन सेवेंटीज फिर नाइनटीन एटीज में क्या हुआ डेवलपमेंट को uh, एक कंसेप्ट uh, बनाया गया जिसमें वाइड स्प्रेड इम्प्रूवमेंट माना गया इन सोशल एंड मटीरियल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी तो अब क्या था डेवलपमेंट मतलब था कि वाइड स्प्रेड इंप्रूवमेंट इन सोशल एज वेल एज मटीरियल वेलबींग ऑफ ऑल इन अ सोसाइटी इसमें तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो सोशल वेल्बिंग है जो पहले नहीं था मटीरियल वेल्बिंग हाँ ये था इकोनॉमिक ग्रोथ में मटीरियल वेल्बिंग आ जाता है उसके बाद ऑफ ऑल इन अ सोसाइटी ऑल इज वट रिफ्लेक्टिंग की ये जो सारे पीपल का है बात हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे पर्टिकुलर एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पीपल की नहीं बात हो रही तो डेवलपमेंट होना चाहिए या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इन सोशल एंड मटेरियल वेलबींग ऑफ ऑल इन अ सोसाइटी अब क्या था नाइनटीन एटीज में ये डेफिनेशन बन के आ गई थी डेवलपमेंट की अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका राइज़ uh, हुआ क्योंकि इन्वामेंटल इश्यूज़ हो रहे थे बहुत ज़्यादा नाइनटीन लेट नाइनटीन में इन द वेस्टर्न वर्ल्ड तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कंसेप्ट का बात होना शुरू हो गया था ये क्या ये क्या रिफ्लेक्ट करती थी ये कंसर्न्स रिफ्लेक्ट कर रही थी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट या ऑफ इन्वायॉर्मेंटलिस्ट सॉरी ऑफ इन्वायॉर्मेंटलिस्ट जो इन्वामेंटलिस्ट थे वो लोग ये देख रहे थे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या हो रहा है इतनी ज़्यादा अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स हो रही हैं देयरफॉर अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए उसके बाद ये सारी बातें तो हो ही रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एमरजेंस एक तरह से होने लगा था उसी टाइम जब पब्लिकेशन रिलीज हो गई थी ऑफ एहरलिच द पॉपुलेशन बॉम्ब इन 1968 और मेडोज का द लिमिट्स टू ग्रोथ और नाइनटीन uh, सेवेंटी में और अदर्स ये क्या कि ये जो लेवल ऑफ फियर था थास्ट uh, इन्वायॉर्मेंटलिस्ट और पीपल के बीचों में वो क्या वो वो और इंक्रीज़ हो गया ये जो फियर था ऑफ इन्वायॉर्मेंटल डिग्रेडेशन ये और कैटलिस्ट के तरह ये सारी पब्लिकेशंस काम की और ये फियर और ज़्यादा बढ़ गया तो ये सारे जो सिनेरियो हैं ये सब सेट uh, करते हैं एक नए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का एमरजेंस के लिए जो कि uh, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं तो so ये सारी जो चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था इन्वामेंट का जो पब्लिकेशन रिलीज़ हुई थी लाइक द पॉपुलेशन बॉम्बाई एयरलिच इन नाइनटीन To by in 1972 टल देख, देखते हुए United, uh, ने किया वर्ल्ड कमीशन ऑन एन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट डब्ल्यू सी ईडी इसके हेड थे नॉर्वे प्राइम मिनिस्टर उस, उस ता, उस के हुआ ब्रुंदत्त लैंड और ये कमीशन जो है वो रिपोर्ट पब्लिश की थी जैसे हम फेमसली ब्रुंदत् लैंड रिपोर्ट भी जानते हैं और ये हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़े हैं और इसका जो टाइटल था वो था आवर कॉमन फ्यूचर और ये 1987 में पब्लिश हुआ था तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक स्टैंडर्ड एक ऑफिशियल डेफिनेशन इस रिपोर्ट में सबसे पहले मैंशन किया गया था तो इसके अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट आज का हैम्पर नहीं होना चाहिए आज के डेवलपमेंट होने चाहिए लेकिन आज के डेवलपमेंट के वजह से जो फ्यूचर का डेवलपमेंट है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए हम लोग डेवलपमेंट करें आज बट लिमिट्स में रह करें ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कर पाए ताकि हम लोग उतना ही रिसोर्स यूज़ करें जितना आज हमें ज़रूरत है ना कि हम लोग ओवर यूज़ कर दें इससे क्या होगा कि आज तो कि आज की तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी बट जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनको सफर करना पड़ेगा देयर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का ये डेफिनेशन इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो डेवलपमेंट का है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक केयर करता है लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्स केयर ऑफ इकोलॉजिकल भी सोशल सोशल भी इकोनॉमिक भी जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम उसका ध्यान देता है और ये जो फ्यूचर जनरेशन है जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके इन रिसोर्स को इस पर ज़्यादा फोकस करता है और ये डेवलपमेंट ऑफ होल ह्यूमन काइंड जिसका एक कॉमन फ्यूचर होगा उस पर फोकस करता है सो so नाउ जो सेकेंड केस स्टडी दी गई है हमारे बुक में दैट इज़ इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया हम लोग उसकी स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग राजस्थान कैनाल भी कहते हैं और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है इन in इंडिया इट वॉज़ क्रिएटेड बाई कु सैन इन नाइनटीन फोर्टी एट सो कंसीव बाई कु सैन इन नाइनटीन फोटी एट ये जो कैनाल प्रोजेक्ट बना था ये कैनाल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन फिफ्टी एट में और ये जो कैनाल ओरिजिनेट होता है सो वी कैन सी इसका भी ये एक पूरा डायग्राम है या फिगर है इसमें क्लियरली ये देख सकते हैं कि हरी के बैराज से ये ओरिजिनेट होता है और ये पैरेलली रन करता है पाकिस्तान बॉर्डर ये देख सकते हैं ये पा, पाकिस्तान बॉर्डर है और इसी के पैरेलली दिस कैनाल रन्स और ये एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट मरुस्थली ऑफ राजस्थान में रन करता है जो टोटल लेंथ है प्लैंड लेंथ है इस सिस्टम का वह नाउन नाइन थाउजेंड सिक्सटी किलोमीटर और ये जो टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया कवर करता है वो है 19.63 पॉइंट सिक्स थ्री लाख हेक्टेयर्स और इस टोटल है टोटल कमांड एरिया में सेवेंटी परसेंट इरीगेट होता है बाई फ्लो सिस्टम और जो बचा हुआ थर्टी परसेंट है वो लिफ्ट सिस्टम के थ्रू इरीगेशन इसका होता है और ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ था इस कैनाल सिस्टम का वो भी दो स्टेजेस में कैरी आउट किया गया था ना स्टेज वन के बारे में पढ़ लेते हैं तो स्टेज वन में क्या हुआ था जो गंगानगर है हनुमानगढ़ है बीकानेर नॉर्दर्न पार्ट ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स स्टेज वन में कवर किए गए हैं वेरेज जो स्टेज टू है उसमें बीकानेर जैसलमेर और बर्मर और जोधपुर नगौर चूरू डिस्ट्रिक्ट्स ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था इन द फर्स्ट इन द सेकेंड स्टेज तो हम लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं जो ये बीकानेर तक है दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज और इसी बीकानेर से सेकेंड स्टेज शुरू हुआ है अब जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जेंटली अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है और जो कमांड एरिया फर्स्ट वाला कवर करता है वो है फाइव पॉइंट फाइव थ्री लैख हेक्टेयर और अर्ली नाइनटीन सिक्सटीज़ में इरीगेशन इंट्रोड्यूस हुआ था इन स्टेज वन तो दिस वॉज अबाउट स्टेज वन स्टेज टू के एरियाज़ तो हम लोग देख ही लिए हैं कमांड एरिया ये कल्चरेबल कमांड एरिया फोटीन पॉइंट वन जीरो लैख हेक्टेयर कवर करता है डेजर्ट लैंड डॉटेड विथ शिफ्टेड सैंड ड्यून्स ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है टेम्परेचर यहाँ पे फिफ्टी डिग्री सेल्सियस हो जाता है समर्स में और इरीगेशन इस रीजन में इन स्टेज टू मिड नाइनटीन में इंट्रोड्यूस हुआ था सो so पहले स्टेज वन में इन अर्ली नाइनटीन हुआ था और स्टेज टू में मिड नाइनटीन में हुआ था सो इन द लिफ्ट कैनाल वाटर को लिफ्ट किया जाता था ताकि वो स्लोप के अगेंस्ट फ्लो करे जो जितने भी लिफ्ट कैनाल्स हैं इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम में वो ओरिजिनेट होते हैं लेफ़्ट बैंक ऑफ द मेन चैनल और जितने भी फ्लो चैनल्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं इन द लेफ्ट फ्रॉम द ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द मेन चैनल सो लिफ्ट को लेफ्ट से एल एल वी कैन कनेक्ट और ऐसे हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं नाउ ये जो कैनाल है ये क्या किया ये मेनली ट्रांसफॉर्म किया इकोलॉजी को इकोनमी और सोसाइटी ऑफ दिस रीज़न इसके साथ ही साथ ये इन्वामेंट को पॉजिटिवली भी अफेक्ट किया पॉजिटिवली भी चेंज किया और नेगेटिवली भी तो हम पहले कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं तो सबसे पहले था अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर लॉन्गर पीरियड क्या था जो सॉयल मॉइस्चर था इस कैनाल के वजह से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ अवेलेबल था एफॉरेस्टेशन e पासचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैरी आउट किए गए विंड इरोजन जो होता है वो क्योंकि वाटर की अवेलेबलिटी थी तो विंड इरोजन भी कम हुआ रिड्यूस सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम कैनाल सिस्टम में सिल्टेशन को रिड्यूस किया कल्टिवेटेड एरिया को इंक्रीज़ किया क्योंकि वाटर का मॉइस्चर अगर अवेलेबल होगा सॉइल मॉइस्चर है तो फिर क्रॉप्स uh, भी ग्रो करेंगे इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप को इंक्रीज़ किया जहाँ पहले चार करते थे वहाँ आठ क्रॉप ग्रो करते हैं सो so, इंटेंसिटी जो होता है वो क्रॉपिंग का वो भी बढ़ा और जो पहले ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे ग्राम बाजरा जॉवर से हम लोग शिफ्ट होकर के वीट कॉटन ग्राउंडनट राइस ये सब कैश क्रॉप्स का भी हम लोग ग्रो कैश क्रॉप्स को भी ग्रो करने लगे तो ये किसका रिजल्ट था ये था इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से ये सब अचीव हो पा रहा था जिसमें हम लोग ट्रेमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर अचीव किए लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ सो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया नाउ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स जैसे वाटर लॉगिंग वाटर लॉगिंग होने लगी सॉयल सेलिनिटी होने लगी और जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें हिंड्रेंस बनने लगा अब जो वाटर सोख ही नहीं कर पा रहा था सॉइल सो वाटर लॉगिंग होने लगी सैलिनिटी इन सॉइल होने लगी और जो सस्टेनेबिलिटी था एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर को जो एक सस्टेनेबल एक्टिविटी की तरह देखा जा रहा था उसमें भी ये कैनाल uh, हिंड्रेंस बना सो दिस वॉज अबाउट द केस स्टडी ऑन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया नाउ अब हम लोग देखेंगे मीजर्स ऑफ फॉर प्रोमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो अब हम लोग ऐसे मीजर्स देखेंगे जिसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं तो जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबिलिटी है ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट उसको बहुत बार क्वेश्चन किया गया था क्वेश्चन किया गया है बाय वेरियस स्कॉलर्स इनका व्यू लार्जली वैलिडेटेड भी है क्यों क्योंकि कोर्स ऑफ डेवलपमेंट जो इस रीजन में हुआ है इन लास्ट फोर डेकेंड्स इसमें क्या हुआ है ये रिजल्ट किए हैं डिग्रेडेशन ऑफ फ़िजिकल इन्वायरमेंट में ये एक हार्ड फैक्ट है बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस कमांड एरिया में अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा ऑन द मीज़र्स जो हमें हेल्प करेंगे इन अचीविंग इकोलॉजिकली सस्टेनेबिलिटी तो ये जो फाइव ऑफ द सेवन ये जो सेवन गिवन हैं मीजर्स इसमें से जो फाइव हैं वो हेल्प करेंगे इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कमांड एरिया ताकि हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर कर पाए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी अब पॉलिसीज़ तो बन जाती हैं वाटर मैनेजमेंट का लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता सबसे तो पहले ज़रूरी है कि हम लोग स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करें और इस कैनाल प्रोजेक्ट में जो फर्स्ट स्टेज था उसमें हम लोग प्रोटेक्टिव इरिगेशन कैरी आउट करें और सेकेंड स्टेज में एक्सटेंसिव इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पास्टर्स डेवलपमेंट करें नाउ सेकेंड इज़ क्रॉपिंग पैटर्न में जनरली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को नहीं इंक्लूड करना चाहिए ऐसे क्रॉप्स जिसमें जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है वैसे क्रॉप्स को अगर हम लोग एग्री अपने क्रॉपिंग पैटर्न में नहीं इंक्लूड करेंगे तो हम लोग ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर पाएंगे इनलिमिटेड क्वान्टिटी ऑफ वाटर तो इसमें क्या होना चाहिए हमें प्लान्टशन क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए जैसे सच्स फ्रू फ्रूट्स इसमें क्या है जो वाटर अवेलेबिलिटी उन्हें कम वाटर अवेलेबिलिटी कम चाहती है तो वी कैन ग्रो दीज क्रॉप्स थर्ड इज़ जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है जैसे लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज और लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग वाराबंदी सिस्टम जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैनाल वाटर का इन कमांड एरिया आउटलेट सो ये दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन मार्कर में वैसे तो अब वन मार्कर में सिर्फ एम सी क्यूज ही आते हैं बट इफ़ डेफिनेशन आता तो वाराबंदी सिस्टम का यूनिट टू राइट कि वाराबंदी सिस्टम रेफर्स टू द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर इन द कमांड एरिया ऑफ आउटलेट तो ये सारे जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं इन्हें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम लोग जो लॉस ऑफ वाटर है उसको रिड्यूस कर पाए अगर लाइनिंग हो जाएगी वाटर कोर्स की तो क्या होगा उससे वाटर लॉस नहीं होगा इधर उधर वाटर नहीं जाएगा फालतू का तो इससे क्या होगा हम लोग वाटर का जो लॉस है उसको रिड्यूस कर पाएंगे फोर्थ इज़ एरियाज़ अफेक्टेड बाई वाटर लॉगिंग एंड सॉयल सेलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड तो वो एरियाज़ जिसमें वाटर लॉगिंग है या सॉयल सेलिनिटी है उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को स्टेप्स लेना चाहिए फिफ्थ इज द इको डेवलपमेंट थ्रो ए फॉरेस्टेशन शेल्टर बेल्ट प्लानेशन एंड पास्टर डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी जो स्टेज टू है स्टेज टू के फ्रजाइल इन्वायरमेंट में स्टेप्स लाइक ए फॉरेस्टेशन शेल्टर बेल्ट प्लानेशन और पास्टर डेवलपमेंट इसे हम लोग को नेसेसरि कैरी आउट करना चाहिए स्पेशली स्टेज टू में नाउ सिक्स इज सिक्सथ इज़ अबाउट एफ सिक्स इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग एडिकुएट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर कल्टिवेशन ऑफ लैंड टू लैंड अलॉटीज हैविंग पुअर इकनॉमिक बैकग्राउंड तो हमें फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना चाहिए कल्टिवेशन ऑफ लैंड के लिए उन लोगों को जिनके बैकग्राउंड में जिनका बैकग्राउंड पुअर uh, है तो उसमें क्या होगा उनको भी in, वो लोग भी इंकरेज होंगे टू कैरी आउट एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेशन ऑफ लैंड सो दिस वॉज़ अबाउट द सिक्सथ मेज़र अब सेवन्थ मेज़र में मेनली दिया गया है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं इस एरिया में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में तो अब क्या है कि फोकस इनका थोड़ा डाइवर्सिफाई होना चाहिए और अदर सेक्टर्स पर भी जाना चाहिए जो अदर सेक्टर्स हैं लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर या टर्शरी सेक्टर हम लोग क्या है इस रीजन में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर पे तो हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए इकोनॉमिक बेस को और ज़्यादा फोकस करना चाहिए अदर सेक्टर्स पे भी इस्टेब्लिश करना चाहिए फंक्शनल लिंकेजेस बिटवीन बेसिक विलेजेस एग्रो सर्विस सेंटर्स एंड मार्केट सेंटर्स वट डज़ दिस मीन एक लिंक बनाना चाहिए विलेजेस एग्रो सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो सेंटर्स और मार्केट के बीच में ताकि एक इफिशेंट मूवमेंट ऑफ गुड सर्विसेज या इंफॉर्मेशन इन uh, तीनों के बीच में फ्लो कर सके सो दिस वाज अबाउट द मीजर्स जो हेल्प करेंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन हिट द लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग Happy learning!